पुस्तक 4 अध्याय उसका 4 पद लिखा हुआ है, एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्दकै के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतारकर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। ध्यान दीजिए, एस्तेर जो रानी होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित थी, मोर्दकै के इस व्यवहार का समाचार सुनकर चकित थी। वह नगर के चौक में विलाप कर रहा था, अतः उसने क्या किया, उसने अपने पिता स्वरूप मोर्दकै के लिए नए कपड़े भिजवाए जो बहुत ही भड़कीले और मूल्यवान थे। परंतु इन कीमती और भड़कीले वस्त्रों से राजा की आज्ञा बदली नहीं जा सकती थी। मोर्दकै ने उन वस्त्रों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पहन लेने से उसकी यहूदी की पहचान नहीं बदल जाती। मेरे प्रियो, यहाँ एक शिक्षा है। धर्म का आवरण मनुष्य को उस तथ्य से मुक्ति नहीं दिला सकता है कि वह परमेश्वर के समक्ष एक पापी है, और न ही धर्म पाप के दंड मृत्यु को बदल सकता है। मनुष्य नाना प्रकार से पाप को ढांकने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, वे स्वीकार नहीं करते कि मनुष्य पापी है। वे ऐसा कोई भी आवरण प्राप्त करना चाहते हैं जो उन्हें पाप की सच्चाई से छिपा ले। कुछ लोग धर्म सुधार का आवरण धारण करते हैं और वे कहते हैं कि पाप एक छोटी सी भूल है, और उसे ढांकने का प्रयास करते हैं। उनके विचार में पाप को सुधारा जा सकता है। किसी ने कहा है कि आज का प्रचार मंच एक ऐसा स्थान बन गया है जहां एक शिष्टाचारी व्यक्ति खड़ा होकर शिष्टाचारी जन समूह से और अधिक शिष्टाचार निभाने का आग्रह करता है। मेरे मित्रों, मैं इससे अधिक और कोई बुरा स्वाद नहीं समझ पाता हूँ। यही कारण है कि संसार कलीसिया को अनदेखा कर चुका है। हमें सुधार नहीं, नए जन्म की आवश्यकता है। हमें नया जन्म पाना है, जीवन को बदलना है। निकोदिमुस, जो यहूदियों का सरदार था और वह धर्म के क्षेत्र में अतुल्य था, परंतु प्रभु यीशु ने उससे स्पष्ट कहा, यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय उसके 7 पद में, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हमें नए स्वभाव की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा स्वभाव पापी है। और मेरे मित्रों, हमारा यह पापी स्वभाव स्वर्ग का वारिस नहीं है। आपको यीशु की शरण आकर उसमें विश्वास करना है। उसने आपके लिए क्रूस पर जान दे दी है। उसने आपका स्थान लिया है और आपके पापों का दंड चुकाया है। अब आपको जो करना है वह यह है कि आप उसके कार्य को स्वीकार करें जो उसने आपके लिए किया है। यदि आप स्वर्ग जाएंगे तो केवल इसलिए कि आपने उस पर विश्वास किया जो आपके लिए मर गया। एक और भड़कीला वस्त्र है जो मनुष्य पहनता है, शिक्षा। वे कहते हैं कि पाप स्वार्थ है। आपका काम है कि मनुष्य को निस्वार्थ होना सिखाएं। मेरी एक छोटी बहन भी है। मेरे पिता शाम को घर आते तो हमारे लिए चॉकलेट लाते थे और मुझे कहते कि मैं उन्हें उसके साथ बराबर बांट लूं। मैं पहली टॉफी खा लेता था और वह इसका विरोध करती थी, क्योंकि अंतिम टॉफी भी प्रायः मेरी ही भाग में आती थी। कभी कभी मैं पहले टॉफी ले लेता जो वास्तव में मेरी बहन का भाग होता था। मेरे कहने का अर्थ है कि मेरी शिक्षा और निर्देशों ने मुझे स्वार्थ से मुक्ति नहीं दिलाई थी, और आप भी उससे मुक्त नहीं हैं। वर्षों पूर्व एक प्राध्यापक डॉक्टर शॉलर मैथ्यू ने पाप की परिभाषा दी जो इस प्रकार है, पाप बाहरी अच्छाई का विपरीत खिंचाव है। इस पर विचार करें, यदि आप सब विशेषण हटा दें तो उनके कहने का अर्थ होगा पाप अच्छा है। यही धर्म अंततः आपसे कहता है, क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपको नए आवरण की आवश्यकता है, आपको मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यही एकमात्र आपको परमेश्वर के समक्ष खड़ा कर सकती है। मोर्दकै अपनी पुत्री रानी एस्तेर से भड़कीले वस्त्र स्वीकार नहीं करता है। जब वे वस्त्र लौटकर उसके पास आ गए तब वह समझ गए कि कोई तो कोई गंभीर बात अवश्य है। वह जान गई थी कि उसके पिता द्वारा वस्त्र लौटा देने के पीछे कोई छोटी बात नहीं थी। हम आगे पढ़ते हैं एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय के 5 पद में,
तब एस्तेर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवा कर आज्ञा दी कि मोर्दकै के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। ध्यान दीजिए, एस्तेर इसका स्पष्टीकरण चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि मोर्दकै ने राख डालकर टाट क्यों ओढ़ा है। तब हम आगे पढ़ते हैं एस्तेर 4:6 में। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्दकै के पास निकल गया। जी हाँ, वह रानी थी और बाहर जाकर उससे भेंट नहीं कर सकती थी, अतः उसने अपने सेवक को भेजा। तब आगे पढ़ते हैं एस्तेर 4:7-9 में। मोर्दकै ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है। यह भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हाताक के हाथ में एस्तेर को दिखाने के लिए दी और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। तब हताक ने एस्तेर के पास जाकर मोर्दकै की बातें कह सुनाई। मेरे मित्रों, मोर्दकै ने एस्तेर को संदेश भेज दिया जिसका वास्तविक अर्थ था, मेरे टाट ओढ़ने और राख डालने का कारण है कि हमारे लोग, तू और मैं भी विनाश की आज्ञा के अधीन आ गए हैं। उसने सेवक के हाथ में राजाज्ञा की एक प्रतिलिपि भी दी कि एस्तेर स्वयं से पढ़ ले। काश वे जो कहते हैं कि बाइबल मनुष्य को पापी नहीं कहती, स्वयं बाइबल पढ़कर देखें कि वहाँ क्या लिखा है। वहाँ सब कुछ स्पष्ट है। वे पढ़ करके देखेंगे कि परमेश्वर ने कह दिया है कि हम पापी हैं और हमें दंड की आज्ञा दी जा चुकी है। जी हाँ, एस्तेर 4:10 में आगे लिखा है, तब एस्तेर ने हताक को मोर्दकै से यह कहने की आज्ञा दी। मोर्दकै का पत्र पढ़कर और राजाज्ञा देकर उसने मोर्दकै के पास एक और संदेश भेजा। एस्तेर 4:11 में लिखा है, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की ही आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में, यह तो बहुत बुरा हुआ, सुनकर बड़ा दुख हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था। उसने मोर्दकै को बताया कि वह 30 दिन से तो राजा की उपस्थिति में गई ही नहीं है और राजा का व्यवहार उसके प्रति इस समय कैसा है वह नहीं जानती। नियम तो वह जानता है, यदि राजा सोने के राजदंड से संकेत देकर किसी को अपनी उपस्थिति में आने की अनुमति न दे तो उसकी मृत्यु निश्चित है। शयर्स क्रोध के लिए जाना जाता था, यदि वह बुलाए बिना जाएगी तो वह रानी को भी मृत्युदंड दे देगा। अतः उसने मोर्दकै को संदेश भेजा कि इस समय राजा से बात करना मृत्यु को बलवा देना है, अर्थात बुलावा देना है। एस्तेर 4:12 में लिखा हुआ है, एस्तेर की ये बातें मोर्दकै को सुनाई गई। तब क्या होता है, देखिए, मोर्दकै ने एस्तेर को यह स्मरणीय संदेश भेजा। एस्तेर 4:13-14 में, तब मोर्दकै ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हमें स्मरण रखना है कि राजा की एक रानी पहले भी थी और राजाज्ञा द्वारा ही उसे पद से हटा दिया गया था। एस्तेर इस बात से सतर्क हो गई थी। यदि वह सोचती थी कि वह राजाज्ञा से बच जाएगी तो यह उसका भ्रम था,
क्योंकि राजाज्ञा में प्रत्येक यहूदी को घात करना था और एस्तेर भी एक यहूदी स्त्री थी। मोर्दकै स्पष्ट कहता है, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। आगे चल करके हम देखेंगे कि शायर्स को पता नहीं था कि एस्तेर एक यहूदी स्त्री थी। तब हम देखते हैं मोर्दकै ने कहा कि यदि एस्तेर चुप रही तो उद्धार कहीं और से होगा। यहाँ इस बात को देखने पर मैं सोचता हूँ कि मैं मोर्दकै से भेंट होने पर अवश्य पूछूंगा कि जब उसने कहा कि उद्धार तो कहीं ना कहीं से अवश्य हो जाएगा, तब वह किसकी बात कर रहा था। मैंने इस पर बहुत विचार किया है और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, वह अन्य स्रोत क्या था जहाँ से वे उद्धार की आशा कर सकते थे? परमेश्वर के अतिरिक्त उनके उद्धार का अन्य स्रोत क्या हो सकता था? ऐसे समय में उनके उद्धार का वही एकमात्र मार्ग था और निश्चय ही मोर्दकै के मन में भी यही विचार था। परमेश्वर कोई और उपाय करता है। वह उद्धार के विषय में आश्वस्त था क्योंकि उसे अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा याद थी। अतः मोर्दकै ने एस्तेर को चुनौती दी। शयर्ष विश्व का राजा था, क्या उनका उद्धार पूर्व से या पश्चिम से, उत्तर से या दक्षिण से आता? जी नहीं, पृथ्वी के उस गोलार्ध में तो ऐसा पुरुष था ही नहीं जो उनका उद्धार करता। अतः उसने एस्तेर से कहा, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मेरे विचार में मोर्दकै को समझ में आ गया था कि परमेश्वर कार्य कर रहा है और उसने एस्तेर को किसी उद्देश्य से रानी बनाया है। अब हम उस राष्ट्र में परमेश्वर के विधान का नियंत्रण देखते हैं। एस्तेर ने वास्तव में वह सौंदर्य प्रतियोगिता अपनी योग्यता से नहीं जीती थी, वह किसी एक उद्देश्य के निमित्त रानी बनाई गई थी। परमेश्वर आरंभ से ही इसकी व्यवस्था कर रहा था, वह इस घटना के लिए तैयार था, वह पहले से ही जानता था कि क्या होने वाला है। यही कारण है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। मेरे मित्रों, हम अपना हाथ उसके हाथ में रख दें तो उसमें हमें थामने का सामर्थ्य है। वह जानता है कि कल, अगले महीने, अगले वर्ष क्या होगा। हमारे जीवन की हर एक बातों को जानता है। वह हमारी सुधि लेगा। हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखना है। मेरी समझ में मोर्दकै अब एक भद्र पुरुष बन रहा था। वह परमेश्वर के लिए खड़ा होता प्रतीत होता है। वह परमेश्वर के लिए मरने को भी तैयार है। एस्तेर को देखें, अब वह रानी है और पूर्ण रूप से रानी है। एस्तेर 4 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, तब एस्तेर ने मोर्दकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दकै चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। मेरे प्रियो, एक शालीन स्त्री के वचन। उसने मोर्दकै से कहा कि वह नगर के सब यहूदियों से उपवास रखने का आग्रह करे, उसकी दासियां भी उपवास रखेंगी। वह राजा के पास अवश्य जाएगी, चाहे उसे मृत्यु ही क्यों न मिले। यहाँ प्रार्थना के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। वह प्रार्थना क्यों नहीं करती है? क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा से बाहर थी। यहूदियों ने प्रार्थना नहीं की, क्यों? क्योंकि वे योना की नाई परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे। योना जब परमेश्वर से दूर भाग रहा था, तब उसने प्रार्थना नहीं की थी। उसे तो उस जहाज में सवार ही नहीं होना था। परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहते हुए प्रार्थना करना बहुत कठिन होता है। अति संभव है कि कुछ यहूदियों ने प्रार्थना की होगी, परंतु उसका उल्लेख इस पुस्तक में नहीं है। मेरे मित्रों, राजा की उपस्थिति में आने का निर्णय एस्तेर का एक साहसी कदम था। एक और भद्र पुरुष है, उसने स्वर्ग में कंगूरा बनाया और पृथ्वी पर आकर मानव देह धारण की। उसने यह नहीं कहा, यदि नष्ट हो गया तो हो गया,
उसने कहा मती रचि सुसमाचार 20 अध्याय के 28 पद में, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 5 से देखेंगे, जिसका विषय है अनुग्रह का राजदंड। एस्तेर 5 अध्याय उसके 1 में लिखा है, तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में गद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। राजा सिंहासन पर बैठा था। उसके सिंहासन के सामने राजमहल का द्वार खुलता था। उसके साथ उसके दरबारी अपने अच्छे वस्त्र धारण किए हुए बैठे थे। वहां के आकर्षण की कल्पना कर सकते हैं आप कि कैसे कैसे लोग वहां पर मौजूद थे। सजे धजे पुरुषों के अतिरिक्त खिड़की दरवाजों की कीमती छाजन, पर्दे, सोना चांदी और संगमरमर की साज सज्जा आदि। एस्तेर जब मेहराब या स्तंभ के पीछे अपने राजसी वस्त्र में दिखाई दी, तब संभवतः राजा अपने मंत्रियों के साथ राज्य के बारे में विचार विमर्श कर रहा था। मित्रों, मैं यह अवश्य कहूंगा कि वह अति सुंदर थी। एस्तेर 5 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। ध्यान दीजिए, एस्तेर राजा के समक्ष प्रकट होने के लिए तैयार होकर आई थी। आपको स्मरण होगा कि जब वह पहली बार आई थी सौंदर्य प्रतियोगिता में, तब उसे न तो अच्छे वस्त्र और न ही अन्य युवतियों की नाई आभूषणों की आवश्यकता थी। वह प्राकृतिक रूप से ही सुंदर थी और राजा को उससे प्रेम हो गया था। परंतु इस समय मुझे पूरा विश्वास है कि उसने सजने में बहुत समय लगाया होगा। लिखा है कि एस्तेर ने राजकीय वस्त्र पहने थे, अर्थात उसने अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहने हुए थे। वह अधिक से अधिक सुंदर दिख रही थी। यदि मैं चालू भाषा या चलती भाषा में कहूँ तो राजा उसे देखकर फिसल गया, मंत्रमुग्ध हो गया। वह बहुत ही सुंदर थी। दरबार में उसका प्रवेश वास्तव में नाटकीय था। राजा ने उसे देखा और एक तनावपूर्ण प्रश्न उभरा, क्या राजा राजदंड हिलाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि इस इब्रानी स्त्री ने प्रार्थना की होगी, जबकि प्रार्थना का उल्लेख वहां पर नहीं है। उसे तब बोध हुआ होगा कि वह कैसी असहाय और दयनीय है। राजा ने सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाया और संभवतः मुस्कुराया भी। वह आगे बढ़ी और राजदंड पर हाथ रखा, जो उस युग की प्रथा थी। मेरे प्रियो, यह कैसा दृश्य है! इस पुस्तक में मैं मादी फारसियों के विधि विधान की तुलना परमेश्वर की व्यवस्था से कर रहा हूँ। यज्ञेल की पुस्तक 18 अध्याय के 20 पद में परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। मेरे मित्रों, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का यह वचन तब भी सच था और आज भी सच है। परमेश्वर की यह व्यवस्था अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर अपने इस विधान को तभी बदलेगा जब उसका स्वभाव बदलेगा। जी हाँ, इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। राजदंड एस्तेर की ओर बढ़ाने का अर्थ था कि एस्तेर को जीवन दान मिला। क्या मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर मनुष्य की ओर राजदंड बढ़ाए हुए है? रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद में सच ही लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जी हाँ, और यह भी सच है। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय उसके 1 में लिखा है, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अतः यह सच है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। परंतु हमारे परमेश्वर ने इस असाध्य नियम पर प्रभुता की और एकमात्र मार्ग था कि वह स्वयं इस पृथ्वी पर आए और हमारे पाप अपने ऊपर ले ले तथा पाप का दंड चुकाए, क्योंकि नियम बदला नहीं था और आज भी नहीं बदला है। अतः मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है, क्योंकि आपके पापों का दंड किसी ने चुकाया है।
आपके और मेरे लिए परिस्थापन मृत्यु मरा, जिसके परिणाम स्वरूप वह हमारी ओर अनुग्रह का राजदंड बढ़ाता है और कहता है, तू मेरे पास आ सकता है, तू अनुग्रह का राजदंड छू सकता है, तू मुझसे उधार प्राप्त करेगा। जी हाँ, एस्तेर को देख राजा समझ गया कि यदि कोई गंभीर विषय ना होता तो वह वहां इस प्रकार कभी नहीं आती। एस्तेर 5 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगती है, मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, वह समझ गया था कि एस्तेर कोई महत्वहीन विषय लेकर वहां नहीं आएगी। वह जानता था कि एस्तेर पैसा मांगने और बाहर घूमने जाने के लिए कहने के लिए नहीं आई थी। वह समझ गया था कि कोई तो बात है जो उसे परेशान कर रही थी, वह उसे शांति देना चाहता था। अतः उसने कहा, मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। यह वचन निरर्थक नहीं था, यह ऐसा था जैसे किसी को खाली चेक में साइन करके दे दिया गया हो कि जितनी राशि चाहे निकाल सकता है। जी हाँ, यह सच है, यदि आपको इस प्रकार का चेक मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि आप जितनी राशि चाहें निकाल लेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे लिए और आपके लिए ऐसे ही चेक दिए हैं। वह चाहता है कि हम उसके पास में आएं और उस उद्धार को मुफ्त में प्राप्त करें। सिर्फ उस चेक को ग्रहण कर लें, उसे ग्रहण कर लें, अपने जीवन में आने दें।